इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद की जगह लता चौक पर हम मौजूद हैं और आप सीधे तौर पर देख सकते हैं तस्वीर कि यहीं से ये धर्म पथ है और इधर राम पथ है। तो बिल्कुल यहां से प्रधानमंत्री जब गुजरेंगे तो सीधा यहां से जाएंगे राम जन्मभूमि, यही वो मार्ग है धर्म पथ का, जो जहां से प्रधानमंत्री सीधे यहां से रवानगी होंगे राम जन्मभूमि के लिए और वो वहां पर जो आरती पूजन विध होगा उसको पूजन करेंगे। बिल्कुल आपको बता दें कि अयोध्या में इस वक्त योगी जी पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुंचने वाले हैं और राष्ट्रपति जी का भी आगमन होने वाला है। और अयोध्या की बात करें सुरक्षा बल की, तो बिल्कुल यहां पर सुरक्षा एकदम बिल्कुल तैनात कर दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है बिल्कुल तैनात कर दी गई है। एटीएस के जवान, जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं बिल्कुल एक ये वही गाड़ी है जो बुलेट प्रूफ होती है कि इसमें गोलियां से भी कोई असर नहीं की जाते, बिल्कुल एकदम चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, कहीं भी कुछ ऐसा ना हो जिससे कोई सुरक्षा में दिक्कत आए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कैमरे में बिल्कुल किस तरीके से सुरक्षा यहां पर तैनात कर दी गई है, चारों तरफ से पाबंदी लगाई गई है, आम श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा था वो भी नहीं है, बिल्कुल अब कोई अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता बिना पास के। चारों तरफ से एटीएस के जवान, यूपी पुलिस, एनएसजी कमांडो चारों तरफ से चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल सुरक्षा बल की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर अयोध्या में तैनात कर दी गई है और बिल्कुल दुल्हन से सजी हुई अयोध्या आपको इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि जो 500 वर्षों का संघर्ष आज भक्तों का था वो जाके अयोध्या आज सज गई है, फूलों की तरह सज गई है। आप चारों तरफ जहाँ तक दिखा पाए कैमरा पर्सन से बताए कि बिल्कुल एक जैसा अयोध्या कहा यह भी जा रहा है त्रेता युग की नगरी अयोध्या अब देखने को मिल रही है, बिल्कुल त्रेता युग की जैसी अयोध्या हो चुकी है। हमारे साथ बने रहिए करण दुबे अयोध्या।